गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुजाहिर जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। तो आई होप कि आप लोग का क्लास लेक्चर जो है अच्छे से आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर कोई तरह का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग का ये जो समय है, ये अभी अपने फ्यूचर एम पर ध्यान देने का समय है। ध्यान दीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए, ठीक है। तो चलिए, कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेटल चैप्टर में हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या जाना, एलोइंग एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम जानेंगे नॉन फेरस मेटल, ठीक है। आज हम लोग क्या जानेंगे, नॉन फेरस मेटल, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है। तो जैसे कि मैं फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ कि फेरस मेटल किसे कहते हैं, नॉन फेरस मेटल किसे कहते हैं, फेरस अलॉय किसे कहते हैं, नॉन फेरस अलॉय किसे कहते हैं, ये मैं पूरे अच्छे से क्लियर करा चुका हूँ। तो आज हम लोग जो जानेंगे कि नॉन फेरस मेटल जो जो होता है उसके बारे में आज हम कुछ विस्तार से जानेंगे। जैसे क्या होता है कि हम पता है हमको कि फेरस मेटल में लोहे का कण पाया जाता है और नॉन फेरस मेटल में लोहे का कण नहीं पाया जाता, ठीक है। तो नॉन फेरस मेटल, तो नॉन फेरस मेटल हमारा क्या क्या है वो हम जानते हैं, ठीक है। तो नॉन फेरस मेटल का एग्जांपल पहले मैंने दे दूं कि ये क्या कौन कौन सा होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, टीन होता है, ठीक है, लीड होता है, ये सब हमारा क्या है, नॉन फेरस मेटल है जिसमें लोहा का कण नहीं पाया जाता, ठीक है। और ये क्या होता है, सॉफ्ट मेलिएबल और डक्टाइल भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो हम देखते हैं किसका, कॉपर का। कॉपर का हिंदी हुआ तांबा। ये बहुत जनरल चीज़ है जो आप लोग इसका बराबर नाम सुनते हैं, ठीक है, इसका यूजेस भी जानते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो टॉपिक से जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो पॉइंट पूछे जाते हैं, मैं उस पर आज डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं जो डिस्कस करूँगा कॉपर के बारे में, तो कॉपर प्रायः क्या होता है, कॉपर जो प्राप्त किया जाता है जिस और मतलब क्या अयस्क, जिस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, वो दो अयस्क होते हैं, कौन कौन, पहला जो है मोलाचाइट अयस्क। ये मोलाचाइट एक अयस्क है जिससे कॉपर प्राप्त किया जाता है, मतलब खान से जो मतलब और अयस्क जो निकलते हैं उससे हम कॉपर प्राप्त करते हैं। तो मोलाचाइट से हम 55% हम तांबा निकाल सकते हैं, मतलब मोलाचाइट अयस्क से हम 55% तांबा प्राप्त कर सकते हैं, बाकी वो बेकार पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। और पायराइट जो कि बहुत कॉमन है, आप लोग पहले भी इसका नाम सुने होंगे, पायराइट नामक एक अयस्क है, ठीक है, जिससे तांबा प्राप्त किया जाता है, कॉपर प्राप्त किया जाता है। तो इससे 33% कितना, 33% इससे अयस्क प्राप्त किया जाता है। और कॉपर का जो मिल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु होता है, वो 1083 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना, 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। और कॉपर का जो कलर होता है, ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है, इसका कलर जो होता है रेडिश, कहता कैसा होता है, रेडिश कलर का होता है, ठीक है। और इसका एक चीज़ और याद रखने का ज़रूरत है, क्या, डेंसिटी, कॉपर का डेंसिटी भी पूछ सकता है, ये इसको क्या है, इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका डेंसिटी जो होता है 8.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका डेंसिटी होता है कॉपर का। तो ये सारा जो पॉइंट है इतना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, इसीलिए आप लोग इसको बहुत अच्छा से याद रखिए, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट एकदम आपको क्रीम पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका जो यूज़ है, आप लोग जानते हैं ताप और बिजली का ये सुचालक होता है, इसलिए इसका बिजली के तार के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिल्वर के बाद सबसे अच्छा तार जो माना जाता है वो कॉपर का ही माना जाता है बिजली के तार के लिए, ठीक है। सिल्वर बहुत महंगा होता है इसलिए उसका अधिकतर यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए हम तांबा का तार का यूज़ हम करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा हमारा जो पॉइंट है, एल्युमिनियम, क्या, एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो है यह किस नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है, या इसका जो अयस्क होता है यह बॉक्साइट, क्या, बॉक्साइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है।
एमोनियम जो प्राप्त किया जाता है वो बॉक्साइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। और यह क्या है, इसका मतलब क्या है ना कि ये बहुत ही हल्का होता है, इसलिए इसका अधिकतर यूज हम कहाँ पे करते हैं, एरोप्लेन वगैरह बनाने में, मतलब एरोप्लेन हवाई जहाज जो बनते हैं उसमें अधिकतर एल्यूमिनियम शीट का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत हल्का होता है। इसलिए यह हल्का कैसे होता है ये जानू, ठीक है। और इसका जो रंग होता है ये ब्लूइश वाइट होता है, इसका कलर जो होता है एल्यूमिनियम का कलर जो होता है ब्लूइश वाइट, ठीक है, मतलब ब्लूइश वाइट इसका कलर होता है। और इसका जो डेंसिटी होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम का डेंसिटी 2.7 पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, या बॉक्साइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है एल्युमिनियम, और इसका कलर जो होता है ब्लूइश वाइट होता है, ठीक है। अब हम जो अरिया हल्का और सॉफ्ट होता है इसलिए इसका अधिकतर प्रयोग हवाई जहाज के और घरेलू बर्तन वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम इसको जानेंगे, इसका एक चीज और है मेल्टिंग पॉइंट, एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना नहीं सॉरी 620 होता है, 620 डिग्री सेल्सियस होता है एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 620 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा लीड, क्या होगा लीड, लीड मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में सीसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं सीसा। तो सीसा जो होता है किस नामक अयस्क से निकाला जाता है, तो गिलेना, क्या गिलेना नामक अयस्क से निकाला जाता है, ठीक है। लीड जो प्राप्त किया जाता है उसका जो अयस्क होता है गिलेना नामक अयस्क से हम लीड को प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सब जो किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पर्पज से, इसीलिए आप लोग इसको अच्छा से याद रखिए। और इसका जो कलर होता है या ब्लूइश ग्रे वाइट, क्या ब्लूइश ग्रे वाइट, इसका जो कलर होता है लीड का ब्लूइश ग्रे वाइट कलर होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लीड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 343 मतलब 343 डिग्री सेल्सियस, लीड का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है 343 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे अच्छा इसका एक प्रॉपर्टीज होता है कि यह सॉफ्ट होता है और हैवी होता है, भारी होता है, सॉफ्ट और भारी होता है। और इसका डेंसिटी जो होता है कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डेंसिटी जो होता है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखिए लीड जो है गिलेना नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है, इसका कलर जो होता है ब्लूइश ग्रे वाइट होता है, और यह 343 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु है, यह सॉफ्ट होता है और भारी होता है, ठीक है। और डेंसिटी जो इसका होता है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका क्या है अभी तक का, ये हम लोगों ने तीन जाना, दो और है जिसको हम जानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ नंबर में टीन, ठीक है। तो टीन जो है इसका भी अधिकतर आप लोग इसका यूज अच्छा से जानते हैं, इसका भी यूज जो होता है घरेलू बर्तन बनाने के लिए हम टीन का यूज करते हैं, ठीक है। घरेलू बर्तन के लिए टीन का यूज करते हैं, और एल्युमिनियम का भी यूज हम क्या घरेलू बर्तन के लिए भी करते हैं, और लीड का जो यूज हम करते हैं, जो मैं अभी पिछला पॉइंट बताया, लीड का यूज हम क्या करते हैं बैटरी सेल में यूज करते हैं, ठीक है। और अधिकतर बंदूक की गोलियां बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं लीड का यूज करते हैं, ठीक है। और टीन का यूज जो है ये आप लोग इसका अधिकतर यूज हम कह सकते हैं कि पीतल के बर्तन के कलई करने के लिए टीन का भी यूज करता है, टीन कोटिंग के लिए भी हम क्या करते हैं टीन का यूज करते हैं। एक टीन कोटिंग करने से क्या होता है कि जंग वगैरह या कोई भी तरह का मतलब तेजाब वगैरह एसिड से
वो क्या करता है मतलब सुरक्षा देता है, ठीक है। तो टीन कोटिंग के लिए भी हम टीन का यूज करते हैं। तो टीन जो होता है इसका कलर जो होता है कैसा होता है, सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट, ठीक है। और यह किस नामक अयस्क से निकाला जाता है, यह निकाला जाता है कैस्टोराइट, कैस्टोराइट नामक अयस्क से और टीन स्टोन नामक अयस्क से। ये दो अयस्क होते हैं, कैस्टोराइट और टीन स्टोन नामक अयस्क से क्या किया जाता है, टीन को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 232 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 232 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो डेंसिटी हम बोल सकते हैं, इसका जो डेंसिटी होता है टीन का डेंसिटी 7.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। और इसका यूज अभी हमने बताया कि इसका अधिकतर प्रयोग पीतल के बर्तनों पर कलाई करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। और भी इसका यूज है कि टीन कोटिंग के लिए भी हम टीन का यूज करते हैं। अब लास्ट जो है हमारा है जो नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नॉन फेरस मेटल में लोहे का गुण नहीं पाया जाता है, तो वो नॉन फेरस मेटल है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है जिंक, क्या है, तो जिंक जो है किस नामक अयस्क से निकाला जाता है, यह है ब्लेंड एक नामक अयस्क है, ठीक है, ब्लेंड और कैलामाइन, क्या, कैलामाइन, ब्लेंड और कैलामाइन दो नामक अयस्क है जिससे हम जिंक को प्राप्त करते हैं, मतलब ब्लेंड और कैलामाइन अयस्क से हम जिंक को प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 420 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इस पर क्या होता है कि तेजाब का असर नहीं पड़ता है, जिंक पे क्या होता है तेजाब का असर बिल्कुल नहीं पड़ता। और जिंक का यूज भी जो हम करते हैं वो बैटरी सेल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये गैल्वेनाइज आयरन में भी हम क्या करते हैं, जिंक का कोटिंग हम कर सकते हैं। और ये क्या है, ये जंग से ये क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब जंग रोधी है, ठीक है। जिंक क्या ब्लेंड और कैलामाइन दो नामक अयस्क है, बहुत ही फेमस है, उससे जिंक को प्राप्त किया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 420 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 420 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह ब्रिटल होता है, ब्रिटल मतलब क्या, यह भंगुर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नॉन फेरस मेटल कौन सा हुआ, कॉपर, एल्यूमिनियम, टीन, जिंक और लीड, ये हमारा क्या नॉन फेरस मेटल है जिसमें लोहे का गुण नहीं पाया जाता। आई होप आप लोगों के ये क्लास, ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट्स जरूर करें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार है। ओके, थैंक यू।